नमस्कार दोस्तों, बीपी न्यूज चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रेम कुमार, बहुत डायरेक्टर एंड गुरुचि हरियाणा। साथियों, जैसे हर प्रकार की न्यूज़ आप तक हम भेजते हैं, वो सामाजिक लेवल की हो, क्राइम लेवल की हो, राजनीतिक लेवल की हो, धार्मिक लेवल की हो, या किसी भी प्रकार के विकास लेवल की हो। आज हम खड़े हैं गाँव खरखड़ी के अंदर, और खरखड़ी का जो ब्लॉक है, खंड है, वो ताउड़ू लगता है, सोना विधानसभा में ये क्षेत्र आता है। और मैं साथ ही चाहूँगा एक बार दिखाइए, एक तो ये गाँव की विकास हो रहा, सफाई हो रही है। हरियाणा सरकार वादे करती है सबका साथ सबका विकास, स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये देखिए ये स्वच्छ भारत, ये स्वच्छ भारत की ढेर है। किसका घर है भैया, क्या नाम है? ईसब। ये ईसब भाई ने बढ़िया अपनी पेंटिंग पुंटिंग करके, मैं साथ ही चाहूँगा एक बार दिखाएंगे, पेंटिंग पुंटिंग करके बढ़िया बना रखा। लेकिन जब कोई रिश्तेदार यारा तेरा यदि कोई आया और देखे ईसब तेरे घर के सामने कहाँ हो रही हो, तो मतलब एक बड़ी फीलिंग सी महसूस होती है। ये देखिए ये कूड़े के यहाँ पर ढेर लगे हुए हैं। हरियाणा सरकार जिन साथियों को सरकार पेमेंट दे रही है, 10 से 12 हज़ार रुपए पेमेंट देती है, तो ये इसमें सरपंच की लापरवाही कहें या उन सफाई कर्मचारियों की लापरवाही कहें, तो ये देखना चाहिए, प्रशासन को भी देखना चाहिए। मैं यहाँ से ध्यान आकर दूसरा मैं चाहूँगा साथी से एक बार दिखाएं, ऊपर दिखाएं, 11,000 वोल्ट की लाइन यहाँ से गुजर रही है, और गाँव में घरों पर ऐसी ये लाइन हर समय 24 घंटे खतरे की घंटी मंडराती रहती है। अभी गांव के कुछ साथी हमारे साथ में, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। ये देखिए, ये एक हमारी बहन खड़ी है छत के ऊपर, इनके पास से बिल्कुल 11,000 वोल्ट की लाइन गुजरी हुई है, और जैसे तैसे करके बल्लियों के सहारे इस लाइन को लगा रखा है। किसी साथी ने बताया कि अभी कुछ दिन पहले एक युवा को शॉट भी लग गया था, और एक साथी है हमारे वहीद खान भाई, भाई वहीद के घर में खुद ही खंभा खड़ा हुआ, बिजली का पोल खड़ा हुआ 11,000 वोल्ट का, जबकि उसके ऑर्डर भी पास हुए पड़े हैं। समझ में नहीं आता एसडीओ क्या कर रहा है, बिजली प्रशासन क्या कर रहा है, या भाई बिजली विभाग की टीम क्या कर रही है, जेई क्या कर रहा है, एक्शन क्या कर रहा है, जबकि इस गाँव से खुद इम्प्लॉयज है। वहीद भाई, क्या हाल है? ठीक है जी। तो वहीद भाई, ये एक तो ये गांव में सफाई नहीं हो रही है आपके, में कब आता सफाई कर्मचारी, आता नहीं आता है? ये तो बस ऐसे आता है जी, कभी हफ्ते में आ गया, 15 दिन में आ गया, महीने में आ गया, कोई पक्की गारंटी नहीं है। कूड़े करकट के ढेर लग रहे हैं, उनके पास रेहड़ियाँ नहीं है क्या कूड़ा डालने के लिए? रेहड़ी भी है, दे रखी है सरपंच ने, लापरवाही लापरवाही। अच्छा, दूसरा वहीद भाई, बिजली की जो 11,000 वोल्ट की जो लाइन गुजर रही है, कितने घर चपेट में आ रहे हैं इसके? इसके तकरीबन 15-20 घर इसकी चपेट में आ रहे हैं, और ये हर वक्त 24 घंटे इसकी जान का खतरा रहता है, कोई छत यूज नहीं करता। जी जी जी, छत पे तो मतलब यूज ही नहीं कर सकते? नहीं, छत यूज नहीं। तो प्रशासन वालों से आपने बात करी, क्या क्या आश्वासन दिया उन्होंने, क्या कह रहे? उनसे बात हुई है, वो हटवाएंगे, हटवाए खम्भे भी आए पड़े इसके, खम्भे भी बड़बे के नीचे दबे पड़े। अच्छा, और लाइन मैन जो उनकी लापरवाही है, खुद जो एसडीओ उसकी लापरवाही है। देखिए, मुस्लिम बाहुल्य गांव, ये दुर्गति हो रही है। सफाई की यदि बात करें तो सफाई नाम का यहां पे कोई जर्रा भी नहीं है। ये देखिए, इस घर के सामने ये एक हमारी माताजी है, इनके ये मकान है यहां पे, और ये देखिए कचरा देखिए। किस लिए कहती है स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत, क्या कर रहे हैं सरपंच, क्या नंबरदार करते हैं, क्या मेंबर्स करते हैं? ये बरसात के दिनों में यहाँ क्या हाल होता होगा, ये आप देख सकते हैं। ये है गांव खरखड़ी, तहसील ताउड़ू, खंड ताउड़ू, जिला मेवात। और हमारे यहाँ के साथी जो पत्रकार हैं, वो भी इस प्रकार की खबरों को न्यूज़ पर नहीं चलाते, जिससे प्रशासन का ध्यान आकृष्ट हो। ये देखिए, एसडीएम महोदय ताउड़ू को भी मैं ये बताना चाह रहा हूँ, आप जो स्वस्थ भारत की बात करते हैं, स्वच्छ भारत की बात करते हैं, ये देखिए खरखड़ी गांव की सफाई व्यवस्था है। भाई साहब, अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? आशु जी। तो ये सफाई कर्मचारी कब आता है जी? कोई भी नहीं करता? अच्छा। भाई, क्या नाम है आपका? मुबीन है। मुबीन, मुबीन भाई, तो ये इतना कूड़ा करकट कैसे जमा हो रहा है आपके गांव में? जमा इसलिए हो रहा है, कोई आता नहीं है, तो ये जमा हो गई है। तो सफाई कर्मचारी नहीं आता? कोई नहीं आता। भाई, क्या नाम है आपका? सलीम जी। तो सलीम जी, ये आपने दुकान कर रखी है अपनी, एक परचून की, कापी किताब की, कितने बच्चे आपके पास? बच्चे दो बच्चे हैं।
तो ये सफाई कर्मचारी कब आते हैं आपके यहाँ सफाई करने के लिए? सर सरपंच ने ये अधिकार दे रखा है, कोई सफाई कार्यकर्ता ही नहीं है। सफाई कार्यकर्ता ही नहीं है हमारी तरफ से? अच्छा, तो देखिए ये भाई ने बताया कि सरपंच ये कहता है कि यहाँ कोई सफाई कार्यकर्ता है ही नहीं। तो चलो गलत कह रहा था, आप लोग ओपन करके आप बोल के दिखाओ। अच्छा 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 अच्छा, चलो कोई बात नहीं है। तो देखिए क्या कह सकते हैं, मतलब प्रशासन की निगाहें कहाँ रहती है? यहाँ पर राशन डिपो के इंस्पेक्टर भी आते होंगे, यहाँ पर आशा वर्कर भी आती होंगी, आंगनवाड़ी वर्कर भी आते होंगे। ये देखिए छोटे छोटे मासूम बच्चे यहाँ गंदगी में खेलने के लिए मजबूर है, और यदि एक बरसात हो जाए तो शायद यहाँ रास्ते में से पैदल निकलना भी दूभर हो जाएगा। नालियाँ बिल्कुल अटी हुई है, मुझे लगता है कि यहाँ की कभी भी सफाई की ही नहीं गई है। ये देखिए छोटे छोटे मासूम हैं, ये मदरसे में पढ़ने के लिए जा रहे हैं और गंदगी में से ये घरों के सामने, मतलब एक नरक बोलूँगा मैं इसको, जीते जी जैसे नरक बोलते हैं, जहन्नुम बोलते हैं ना, जहन्नुम बना रखा है इसको। ये देखिए ये किसी का घर है, यहाँ रेजिडेंस है, रिहायश है। ये देखिए सरकार किस चीज़ की तनख्वाह दे रही है। यहाँ के मेवात के सफाई कोऑर्डिनेटर बबीता जी का भी मैं ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा इसकी तरफ, कि वो गांव-गांव में दौरा करके सफाई कर्मचारियों पर थोड़े सा नकेल कसने का काम करें। मैं चेयरमैन हरियाणा सफाई आयोग से भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो अपने यहाँ के सफाई कर्मचारियों को थोड़ा सा टाइट करे। मेवात में बहुत बुरा मंजर देखने को आपको ये मिल रहा है।